आज की दुनिया के दोस्तों, ट्रंप के बोल हेलीकॉप्टर के शोर जैसे, जब हेलीकॉप्टर के शोर ने बातचीत में बाधा डाली तो कहा, जब आप किसी से बात करना चाहते हैं तभी ये चक्कर क्यों लगाते हैं। ये राष्ट्रपति ट्रंप की तरह आवाज़ कर रहा है। कछुआ उन्नाव के केस पर पीए ने तोड़ी चुप्पी। बेटियों को न्याय मिलकर रहेगा, अपराधी नहीं बचेंगे। मोदी SC ST कानून को कमज़ोर नहीं होने देंगे। कांग्रेस के आरोपों का भ्रमजाल करार देते हुए कहा कि सरकार ने इन समुदायों के अधिकारों के लिए प्रतिबद्ध है और इस कानून को कमज़ोर नहीं होने दिया जाएगा तथा आरक्षण पर किसी तरह की आस नहीं आने दी जाएगी। मोदी ने कहा कि मैं आज इस अवसर पर देश को आश्वस्त करना चाहता हूं कि जिस कानून को हमारी सरकार ने ही सख्त किया है उस पर प्रभाव नहीं पड़ने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने सत्ता में आने के बाद 215 में दलितों पर अत्याचार रोकने के लिए इस कानून को और सख्त बनाया। पहले इस कानून के दायरे में केवल 22 अपराध थे जिन्हें बढ़ाकर 47 किया गया। उन्होंने स्पष्ट किया कि जब उनकी सरकार ने इस कानून को संशोधित किया तब आरोपियों के अग्रिम जमानत ने देने का जो प्रावधान था उसे यथावत रखा गया है। पीड़ितों को मिलने वाली राशि भी उनकी ही सरकार ने बढ़ाई। इस कदम का कड़ाई से पालन हो इसके लिए सरकार ने पहले को सरकार के मुकाबले 2 गुने से ज़्यादा राशि खर्च की है। कानून के माध्यम से सामाजिक संतुलन स्थापित करने का भी निरंतर प्रयास किया गया। कांग्रेस सिर्फ भ्रम फैला सकती है। इसको एक तस्वीर इस महीने की को हम देख चुके हैं। कभी आरक्षण खत्म किए जाने की अफवाह फैलाना, कभी दलितों के अत्याचार से जुड़े कानून को ख़त्म किया जाने की अफवाह फैलाना, भाई से भाई को लड़ाने में कांग्रेस कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है। उन्होंने कहा कि दशकों से हमारे देश में जो असंतुलन बना हुआ था, हर माँ को ज़रूर सिखानी चाहिए अपनी बेटी को यह बातें, स्वाभिमान और आत्मविश्वास का विकास करें। स्वतंत्रता अपनी बेटी को ये सिखाना बहुत ज़रूरी है कि वह स्वतंत्र बने और छोटी उम्र से ही अपना काम खुद कर सके, ताकि जब वह ये बड़ी होती अपने कामों के लिए वह दूसरों पर निर्भर ना रहे। पैसे की महत्ता, अपनी बेटी को ऐसी पैसे की महत्ता बताएं जिसे वह पसंद करे और वह पैसों के लिए किसी पर निर्भर ना हो, ये आजकल काफ़ी ज़रूरी है। एक लड़के के बारे में वह तभी सोचे जब उसे ऐसा लगे कि लड़की उसके संपूर्ण व्यक्तित्व को पसंद करती है, ना सिर्फ उसके शरीर को। अपने शब्दों को सोच समझकर बोले, क्योंकि एक बार मुँह से निकलने के बाद कभी न तो इनमें सुधार हो सकता है और न ही वापस हो सकते हैं। हरे हरे आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, युवा वह होता है जो आवेश नहीं करता। धर्म की शरण में आने वाला व्यक्ति नर से नारायण, इंसान से भगवान बन जाता है। आप जैसे चाहे वैसा कर सकते हैं। अशुभ को आप शुभ बना सकते हैं, पाप को पुण्य का रूप कर सकते हैं, विपत्ति को संपत्ति बना सकते हैं। धर्म वह जो शांति का द्वार खोलता है। उम्र इसमें कारण नहीं है, आयु से वृद्ध होना अलग है।
पर विचारों भावनाओं से युद्ध होना अलग बात है। युवा वह होता है जो आवेश नहीं करता, विपत्ति प्रसंगों में तनाव नहीं करता, जो ममता का सहारा लेकर विपरीत प्रसंगों में से लोहा लेता है। वृद्ध इनसे विपरीत होता है। 30-40 वर्ष का युवा भी वृद्ध कहला सकता है और 80-90 वर्ष का वृद्ध भी युवा कहला सकता है। सब्सक्राइब करिए मित्रों।